हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई है, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े सवालों का जवाब दिया है, स्पेशली नकल विरोधी कानून को लेकर, और जिसमें पूरे उत्तराखंड के हालात अभी के रिसेंट टाइम में चल रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नकल विरोधी कानून से आच्छादित होंगे आगामी सभी परीक्षाएं। मुख्यमंत्री कहा, हम किसी भी कीमत पर चाहते हैं छात्रों का हित। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून के तहत किए गए हैं जुर्माने और सजा के कठोर नियम। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों के हित चाहते हैं, इसीलिए जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में भी जो है परीक्षाओं के लिए आने और जाने का जो शुल्क है नहीं लिया जा रहा है। और बाकी उन्होंने आगे का क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी, और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है, एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है, और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई, हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट ना होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है, और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है, और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है, इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं बेटे बेटियां सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर ना जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। सर, नहीं, देखिए हम किसी भी छात्र एवं छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती, सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करेगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी कॉन्फ्रेंस में घुमा फिराकर वही बातें रिपीट की गई जो पहले मुख्यमंत्री साहब कहते थे, लेकिन अभी भी जो है कई सवाल बने हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।